तो दोस्तों आज हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.55% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के बाद भी जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर अपने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है। तो यहाँ से अभी हमको स्टॉक में एक यहाँ से रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आता है तो यहाँ से अभी रिवर्सल की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 56.55 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 60, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 65 और उसके बाद हमको यहाँ पर अभी स्टॉक में 70 और 80 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस भाई, यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आई तो यहाँ से गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 53 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक 50 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक है 48 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट आपका सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स रहा नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।